आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:21 तक रहेगी। आज मास शिवरात्रि और अघोर चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। आज सुबह 8:33 तक परिघ योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:07 तक आश्लेखा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:43 पर शुरू हो गया था और सुबह 8:22 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 11 सितंबर की सूर्योदय से 11:28 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:01 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:22 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये सुबह 6:57 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:22 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 सितंबर की सुबह 6:03 से सुबह 8:58 तक और दोपहर पहले 11:17 से 1:27 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 सितंबर की सुबह 6:03 से सुबह 9:02 तक और दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:57 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:22 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 सितंबर की सुबह 6:03 से सुबह 9:02 तक और फिर दोपहर पहले 11:21 से शाम 5:26 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 सितंबर की दोपहर 3:55 से शाम 5:26 तक और एक बार फिर शाम 6:53 से रात 11:49 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 12:28 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:03 से शाम 6:38 तक। मुंबई शाम 5:17 से 6:50 तक। चंडीगढ़ शाम 5:06 से 6:41 तक। लखनऊ 4:48 से 6:22 तक। भोपाल 5 बजे से 6:34 तक। कोलकाता 4:16 से 5:50 तक। अहमदाबाद 5:19 से 6:53 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:44 से शाम 6:17 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही
उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।